तो आज हमने बनाया है वेज आमलेट, एकदम फ्लफी बनाया और बिल्कुल ही टेक्सचर जो आया है आमलेट जैसा आया है। ये देखिए क्या फ्लफी है और एकदम बढ़िया बना है। आप भी इस तरह से वेज आमलेट बनाना चाहते हैं तो चलो चलते हैं किचन में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं वेज आमलेट, एकदम परफेक्ट बनेगा जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद, वेज आमलेट बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और 1/3 कप मैंने मैदा ले रहा हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसमें डालते हैं 1 कप दूध, ये रूम टेम्परेचर पे है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर हम पानी भी ऐड करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। आपको दिखा दूँगा किस तरह से होता है। अभी मैंने 1/2 कप पानी डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ उसको मैं। इसको मिक्स करने के लिए आप या तो मिक्सी का यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास हैंड विपर विपर है तो उससे कर सकते हो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक वाले से। बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे, कोई लम्स वगैरह इससे नहीं रहेगा। इससे थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा आधा करीब इसमें मैं, यानी कि मैंने पूरा 1 कप दूध और 1 कप ही मैंने पानी डाला है इसमें। अब इसके अंदर मैं 50 ग्राम के करीब बटर ऐड कर रहा हूँ जिससे हमारे आमलेट का जो वेज आमलेट का टेक्सचर है बहुत बढ़िया आ जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। बैटर हमारा रेडी हो गया, इस तरह का होना चाहिए रनिंग कंसिस्टेंसी का। अब इसके अंदर हम कटा हुआ धनिया डालते हैं, आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मैं हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहा उसमें। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करते हैं और 1/2 चम्मच मैं काली मिर्च ले रहा हूँ और 1/2 चम्मच मैं लाल मिर्च ले रहा हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बैटर हमारा रेडी हो गया बनाने के लिए आमलेट। चलते हैं गैस की साइड। एक फ्राई पैन लिया है, उस पर मैं बटर डालता हूँ 1 से 2 चम्मच के करीब और यहाँ से इसको फुला लेते हैं। ऊपर से मैं इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लिए वो डालूँगा। और जो बैटर मैंने 2 कड़छी बैटर लिया उसमें मैं 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम मीठा सोडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ जिससे हमारा ये आमलेट एकदम फ्लफी बनेगा। अब ये थोड़े से मैंने प्याज, टमाटर, हरी शिमला मिर्च लिए इसमें डाल देते हैं। ऊपर से जो बैटर बनाया है वो डालेंगे हम। अच्छी तरह से इनको फैला लेते हैं। ऊपर से बैटर कोट कर देते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल टेक्सचर बिल्कुल आमलेट जैसा लग रहा है ना आपको। बस इसको अब थोड़ी देर मीडियम आंच पे ढक के पकाएंगे जब तक ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। चेक करते हैं, ऊपर से बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। तो एक प्लेट की मदद से इसको हम पलट लेते हैं और फिर इसको दोबारा दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से हम इसको सेक लेते हैं। इतना फ्लफी है कि ये बीच में से क्रैक भी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि
ये आमलेट नहीं है, ये वेज आमलेट है। जब तक वो खाएगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये बेसन का है कि किसका है। इसको अच्छी तरह से हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। हमारा ये रेडी हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं प्लेट में। सर्व करते हैं। ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूँ। थोड़ा सा बटर डालते हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल देते हैं। और बैटर मैंने 2 कड़छी बैटर लिया और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करके मिक्स करके इसमें कोट करूँगा मैं। अच्छे से सारी तरफ से कोट कर देना, कहीं से जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। हिला के भी इसको सेट कर लेंगे जैसे ये चारों तरफ से अच्छे से बैठ जाए। और ढक के इसको पका लेते हैं। नीचे से हमारा सक गया तो उसको भी हम पलट लेते हैं थाली की मदद से। और उसको भी नीचे से सेक लेते हैं अच्छी तरह से। नीचे से भी अच्छी तरह से सिक गया है तो उसको हम सर्व करते हैं। और हमारा एगलेस आमलेट तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने काट के दिखाता हूँ कितना बढ़िया फ्लफी बना है, एकदम टेक्सचर बिल्कुल आमलेट जैसा आया है। और सर्व करते हैं इसको मीठी सी चटनी और हरी चटनी के साथ। आई होप आपको मेरा बनाया हुआ वेज आमलेट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं।